आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर कमल बोस रेडियो खांची के तमाम श्रोताओं का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। गायन, वादन एवं नृत्य, तीन कलाओं के समावेश से संगीत बनता है। तीनों कलाएं स्वतंत्र होने के बावजूद एक दूसरे की पूरक हैं। हमारे मन के विकारों को दूर करने की अचूक दवा है संगीत। सबका प्यार है संगीत। हमारे दिलों पर राज करता विराजता है संगीत। ऐसी श्रेष्ठ, अनोखी, अनमोल भाषा है संगीत, जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। एक नैतिक कानून है संगीत। जीवन की ध्वनि है संगीत। मन और आत्मा को तृप्त करता है गीत संगीत। आत्मा की आवाज है संगीत। ईश्वर की सौगात है गीत संगीत। गीत संगीत की दुनिया के एक चमकते सितारे का नाम है हेमलता, जिन्होंने अपनी मधुर और मखमली आवाज से श्रोताओं के मन को स्पर्श किया, आनंदित किया। उनके द्वारा गाए अनूठे गीत खास प्रभाव छोड़ने वाली गायकी उन्हें दूसरी पार्श्व गायिकाओं से अलग बनाते हैं। आज भी उनके गीत सुनने वालों के कान में अमृत घोल देते हैं। सुनते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे का रोमांटिक गीत। इसे संगीत दिया है और लिखा भी है रविंद्र जैन ने। इस गीत में मनोहार है, पिया के दिल का उद्गार है। सपनों में प्यार पलता है, प्यार में सपने रंगीन होते हैं। सपनों का रंग मलिन न हो जाए, रोमांस के इस रोमांच को गाया है हेमलता ने और आज गा रही है अपनी सुमधुर आवाज में पारमिता चौधरी। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। गाँव में ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव।
भारतीय सिनेमा की नामचीन पार्श्व गायिका लता भट्ट, लोकप्रिय नाम हेमलता, शास्त्रीय संगीत से प्रशिक्षित गायिका हैं। संगीत की इस तालीम ने इन्हें फिल्म, संगीत, टेलीविजन आदि क्षेत्रों में खास जगह, खास पहचान दिलाई है। लता भट्ट से हेमलता बनी और 5,000 से ज्यादा गीत गाकर अपनी खास पहचान बनाई। कुछ गीत तो ऐसे हैं जो सिर्फ हेमलता की आवाज की वजह से ही लोकप्रिय बने हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय गीत सुनते हैं, फिल्म चित्तचोर का वह गीत जिसे स्वर दिया है यशुदास और हेमलता ने। इस गीत में सुर में सुर मिलाने की उत्कंठा है, मन प्राण के एक होने की चाह है, मन की प्यास बुझाने की राह है, जीवन में आनंद की वर्षा होने का पैगाम है, एक हो जाने का भाव है। इस भाव को आवाज दिया है यशुदास और हेमलता ने। आइए ये गीत सुनते हैं। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, खुशियाँ उधार ले,
मधनिसा मगरिसा सरे रे गारिसा निगा मगसा गमधनिसा तुझो मेरे सुरमी सुरमी नाले संग गाले तो जिंदगी हो जाए सफल तुझो मेरे सुरमी। बेहद मधुर आवाज की धनी हेमलता को घर में गाना गाने की छूट नहीं थी। लड़कियों का गाना गाना वहां वर्जित था। हेमलता स्कूल में गाती, छुप छुप कर गाती, कभी किसी कार्यक्रम में भी गाती। एक बार एक बड़े स्टेज शो में संयोगवश गाना गाने का उन्हें मौका मिला। बड़े बड़े गायक, फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। इंटरवल का समय था, नन्ही बालिका हेमलता को गाने का मौका दिया गया। फिलर के रूप में उस बच्ची का इस्तेमाल किया गया। एक साथ उसने 12 गाने गाए। वह मौजूद गुणीजनों ने उस बच्ची की अप्रतिम प्रतिभा भांप ली और भविष्यवाणी की, यह बच्ची बड़ी होकर फिल्मों में गाना गाएगी। भविष्यवाणी सच हुई। अनेक गीत गाए हेमलता ने। आंखियों के झरोके से जैसे इस गीत से सबके दिल में बस गई हेमलता। आइए सुनते हैं इसी सुपरहिट गीत को शंपा सेन की दिलकश आवाज में। आंखियों के झरोके से मैंने देखा जो अखी
अपनी बेहद मधुर मखमली आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली, सभी पर जादू बिखरने वाली पार्श्व गायिका हेमलता को भारतीय सिनेमा में गाए उनके अनूठे गीतों के कारण अलग पहचान मिली। इनके द्वारा गाए अनेक गीत हमें आनंद विभोर करते हैं, मुग्ध करते हैं। बचपन से ही उन्हें गायकी पसंद थी। रूढ़िवादी संस्कृति के समर्थक उनके परिवार से उन्हें बहुत प्रोत्साहन हालांकि नहीं मिला, जबकि परिवार में संगीत का माहौल था। पिता शास्त्रीय संगीत के पंडित थे, पर संगीत के करीब बेटियों का जाना उन्हें पसंद नहीं था। इसी विचार के साथ हेमलता की चाह टकराई। यह उनके संघर्ष का सर्वाधिक कठिन दौर था। 12 वर्ष की अवस्था में लता जी, किशोर कुमार आदि जैसे दिग्गज कलाकारों के स्टेज साझा करने का उन्हें मौका भी मिला और अपने प्रतिभा का उसने लोहा मनवाया। उन्हें बेबी लता भी कहा जाने लगा। सुनते हैं फिल्म आप तो ऐसे न थे का वह शानदार गीत। प्रेम की अंतरंगता को बयां करने वाला यह गीत, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, उषा खन्ना के संगीत में गाया था हेमलता ने, और आज इस गीत को स्वर दे रही है लोकप्रिय गायिका चुमकी रॉय। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जिंदगी में शामिल है।
अपनी अप्रतिम प्रतिभा को संगीत के लिए हेमलता ने अर्पित किया था। संगीत के प्रति बढ़ती रुझान ने उन्हें बड़ी ख्याति दी। परिवार का रुख बदला, बंदिशें थोड़ी कम हुई। संगीत सीखने पर परिजनों की आपत्ति का कड़ा स्वर अब थोड़ा नरम हुआ। इनकी प्रतिभा की गहराई को सबसे पहले संगीतकार नौशाद ने पहचाना। उन्होंने पहली बार हेमलता के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए कि हेमलता लगातार उनके साथ 5 वर्षों तक गाएंगी। इस अनुबंध की खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े संगीतकारों का तांता लगने लगा। इनकी आवाज लेने को सभी बेताब थे। फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर के सामने नौशाद साहब के साथ 5 वर्षों का लंबा इंतजार भारी पड़ा। फलतः अनुबंध टूट गया और उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में 14 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। 1977 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म पहली का यह गीत अत्यंत अर्थपूर्ण है, भावपूर्ण है। इसे शब्द और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और हेमलता द्वारा गाए इस गीत को आज गा रही हैं चुमकी रॉय। सोना करे कैसे झिलमिल। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका जुड़ाव गहरा था। 80 से 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित विभिन्न फिल्मों के लिए इन्होंने अनेक गाने गाए। फिल्म नदिया के पार का ये सुपरहिट रोचक गाना उनके जीवन में मिल का पत्थर साबित हुआ। वर्ष 1978 का यह नंबर 1 गीत बना। हेमलता द्वारा गाया हुआ फिल्म अखियों के झरखों से का शीर्षक गीत काफी लोकप्रिय हुआ, काफी चर्चित हुआ। सुनते हैं इसी गीत को अपरिमित प्रतिभा संपन्ना कलाकार पारमिता चौधरी की आवाज में। अखियों के झरोखे से देखा जो मैंने सांवरे। अखियों के झरोखों
सफल गीतों के लगातार सफल गायन के कारण हेमलता का नाम लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में लिया जाने लगा। रविंद्र जैन का सहयोग मिला, उनके कारण अनेक फिल्मों में गाना गाने का अवसर भी मिलता गया। दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी हेमलता। अपनी खास आवाज में रामचरित मानस की चौपाइयों का गायन किया, कबीर आदि की नीति परक भक्ति परक रचनाओं को आवाज दी, उन्हें जीवंत बनाया। हेमलता जी ने 38 से ज्यादा भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए। 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब नगमे दिए। सुनते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे का वो शानदार गीत, जिसे फिल्म के लिए गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन के उस गीत को गाया है यशुदास और हेमलता ने, आज आपके लिए गा रहे हैं शिवांशु दासगुप्ता। खुशियां हो दामन में जिसके, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके। कोई क्या जाए
दिलकश आवाज की मल्लिका हेमलता ने बार बार यह साबित कर दिया कि उनका धारावतरण सिर्फ गायकी के लिए ही हुआ है। रहीम के दोहों को भी उन्होंने आवाज दी और उन्हें जीवंत कर दिया। फिल्म 10 रुपया में गाना गाने के बाद उसी दिन उन्होंने दूसरा गाना भी गाया। यह गाना कल्याण जी आनंद जी के लिए गाया, उनके साथ मुकेश जी भी गाए। फिर तो हेमलता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद एक से बढ़कर एक स्थापित गीतकारों के साथ इन्होंने काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में हेमलता के पैर जमने लगे। आइए सुनते हैं एक शानदार फिल्म का शानदार गीत, कई दिनों से मुझे कोई सपना में आवाज देता है। फिल्म आंखियों के झरकों से इस गीत को आज आवाज दे रहे हैं शिवांशु दासगुप्ता। Oh, oh, oh.
रामानंद सागर निर्मित धारावाहिक रामायण का वह बेहद खूबसूरत गाना हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मधुर भाव, मधुर आवाज और भक्ति रस के माधुर्य में अप्लावित परिपूरित यह गीत श्रोताओं को आज भी आनंद विभोर कर देता है। तू जो मेरे मन को घर बना ले, तू बंदगी हो जाए सफल, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। इस सरस गीत के लिए हेमलता जी को 1977 ईस्वी का फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जू आधा आधा जवान रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। घर अपना बनाने को पंच करे देखो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे। धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की जबारे, दिल की जबारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे।
हेमलता एकमात्र भारतीय फिल्मी दुनिया की पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने अमेरिका जैसे देश में संगीत अकादमी शुरू की। यह अकादमी भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ लोक संगीत का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर रही है। सन 1999 ईस्वी में हेमलता ने फिल्मी दुनिया से विदा ली, मेक्सिको गई, वहाँ संगीत संस्था का गठन किया, संगीत शिक्षण प्रशिक्षण का काम करने लगी। गुमनामी के पन्नों में भले दर्ज रहा उनका नाम, पर उनकी प्रतिभा की चमक और उनके गाए गीतों की दमक हमेशा हमेशा कायम रहेगी। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो, साथी मितवा या अनाड़ी का हो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी का हो गोरिया, कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे।
जा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो माए नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन रे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया